प्रबंधक जी, तीन का ध्यान रखिए। जामिया संजय जी, गगन गेस्ट हाउस प्रबंधक जी, संचालक जी, कृपया आए मंच पर। अरणी लालाचार जी आइए, गुरु जी जाइए। और हमारे कवि महोदय अरणी ओम प्रकाश जी मंच पे आए, और सभी लोग आदरणीय श्री राधे श्याम शर्मा जी हमारे पिताजी को भी हम सादर आमंत्रित करते हैं कि भी आए, और हमारे साधु जी का जो है उन्नाव की ओर से भी एक जो है उनका सम्मान होता है, तो आए उनका सभी लोग अच्छा से बना दो वीडियो। हाँ एकदम खा गए बार आज। और जो लोग भी इनकी चरणों में अपना सम्मान व्यक्त करते करना चाहते हैं, कोई भी आए मंच पर, और कोई बाधा नहीं है, उनका मंच है, आपका प्रोग्राम है, तो आ सकते हैं। आइए पंडित जी, आचार्य जी, सरस्वती विद्या मंदिर के आचार्य जी भी बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि वे आए मंच पर। जय हो, जय हो, जय हो। आप जस्ट पैसे ले लेंगे से सम्मान कीजिए आप लोग। डॉक्टर महेंद्र जी, महेंद्र जी कहाँ हैं? डॉक्टर महेंद्र जी देखिए, देश के रियल हीरो आप देख लीजिए, ये है रियल हीरो। जानते हैं उस दिन मैं मीटिंग में गई तो डॉक्टर रवि जी बता रहे हैं कि मैं सुबह इनके यहाँ गया था और एक गधा बीमार पड़ा हुआ था, बड़ी दयनीय स्थिति थी। ये नहीं है कि कोई भी पशु हो, और आप यूट्यूब पे इनका कार्यक्रम सभी लोगों ने डाला है कि कम से कम हम इनसे प्रेरणा ले सकें, तो ये वहाँ भी उसकी भी सेवा करते नजर आते हैं। कितने बंदर भोज करते हैं, हर एक जो भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, आदमी तो आदमी, जानवरों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। कौन करता है ऐसा? कहीं भी रास्ते में पड़ा हुआ कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, गधा हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, आप सबकी सेवा में तत्पर होते हैं, बिना किसी फल की इच्छा से, बिना किसी चाहत के अपने कर्म में लगे रहते हैं। मैंने देखा, और आदरणीय डॉक्टर रवि जी ने इनसे हमें मिलाया, ये इनका बहुत सम्मान करते हैं, और मैं देखती हूँ तो मुझे भी बड़ी प्रेरणा मिली, और हमारे ऊंचा हाल में आप पधारे, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इनके चरणों में प्रणाम करने का हमेशा मन होता है। आइए अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, और मैं अब आपसे कहूंगी कि दो शब्द हम लोगों के लिए आप यहां पर देख करके हम लोगों का जीवन कृतार्थ करें, और सभी स्वागत मंडल का स्वागत पूरे ऊंचा हार के द्वारा जो प्रतिनिधि बने हैं, हमारा पूरा ऊंचा हार तहसील जो है आपका स्वागत करती है, आपके कार्यों को अभिनंदन करती है, नमन करते हैं, और इन प्रतिनिधि मंडल का जिन्होंने ये कार्य किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए आदरणीय श्याम साधु जी, एक
यहाँ उपस्थित सभी महान भाव, हम समझते हैं कि उनका दुर्भाग्य है जो यहाँ से उठ के चले गए, और जो बड़े भागशाली हैं वो यहाँ बैठे हैं। मैं माने कुछ नहीं, आज रायबरेली का एक आदमी हम आपके सामने खड़े हैं, हम पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं। उसको देखिए, उत्साह बढ़ाइए, जैसे ये बालक, ये दिव्यांशु जो है, इसकी इसके इसका चित्र घर घर टांगो, अपने बच्चों को दिखाओ ताकि उनका हौसला बढ़े। और ये भारत देश है, कहने को हम कह देते हैं मेरा देश महान। आप क्या है श्रीमान, जरा ये भी तो बताएं, आप क्या है? देश तो महान था, है और रहेगा। एक न एक कोई ना कोई व्यक्ति एक विशेष रूप में ईश्वर भेजता रहता है। कबीर आए, तुलसी आए, नीला आए, लेकिन सब एक ही आए। उसी कड़ी में थोड़ी देर के लिए जरा साहब हमको भी मान लीजिए। कहिए क्यों? इंसानियत, ह्यूमैनिटी और मानवता की पराकाष्ठा क्या है? अरे दुनिया वालों, जरा श्याम साधु को बताओ और YouTube पर आओ ताकि दुनिया देखे कि हमने क्या पूछा और आपने क्या उसका उत्तर दिया। हमको इसीलिए, जैसे कोई को भगवान अलग से बना के भेजता है, जैसे दिव्यांशु है आज पूरे रायबरेली का नहीं तो पूरे भारत का गौरव बढ़ा रहा है, ऐसे बालक के लिए हम लोगों की केवल नहीं आशीर्वाद नहीं, हम उसकी जगह जगह चर्चा करें ताकि और भी दिव्यांशु पैदा हो जाए। आप श्याम साधु का मनोबल बढ़ावे, न ये वोट चाहता है और न नोट चाहता है। इतना बढ़िया पागल कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं चाहता आपसे, केवल देना चाहता है और ये बताना चाहता है कि भैया देशवासियों आप क्या है, कहाँ खड़े हैं, कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा। सब कुछ हमारे यहाँ आ गया, तरह तरह के टेक्नोलॉजी, बिजली, बिल्डिंग, मकान, योग वगैरह सब कुछ आया, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं? बाबा ने जो काम किया, बाबा रामदेव ने जितने बालकों को, अरे वो ऋषि मुनि उन्होंने बना दिया, क्या हमारे देश के इतिहास में इधर हम 500 साल के अंदर नहीं 1000 साल के भीतर हम जरा जानना चाहते हैं पूरी दुनिया से कि जो बाबा रामदेव ने किया है वो किसने किया है? बोलिया, जो श्याम साधु ने किया है और कर रहा है वो वर्ल्ड में किसने किया है, जरा बताइए। तो हम एक से दो तो हो जाएंगे, हम कोई बड़ाई नहीं, बड़ाई वही करता है, करता वही करता है जिसको कुछ चाहिए। अब यहाँ हमारे पैर तो कब्र में लटक रहे हैं, अब आप हमको कुछ भी देंगे हम क्या करेंगे? देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब चाहना था तब भी हमने नहीं चाहा। करोड़ों रुपए एक थे, यहाँ शिक्षित लोग बैठे हैं, उनका हाथ बहुत बड़ी जगह है। मैं करोड़ों रुपए, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए हम भारत सरकार से ले सकते थे, भारत सरकार से। क्यों? पर्यावरण के नाम पर, पशु सेवा के नाम पर, आज भी वही काम हम कर रहे हैं, लेकिन ले करके किया तो क्या किया और ले करके दिया तो क्या दिया? इसलिए दिव्यांशु भारत हमारे लिए रायबरेली नहीं, ये पूरे देश का गौरव बढ़ा रहा है। और उनकी माता जी ने अपने पिताजी की प्रशंसा किया कि हम लोगों ने ये गीत, ये कविता उनसे जानी है, तो हमने कहा आपके पिताजी आपसे भी ज्यादा भागशाली है। क्यों? उन्होंने जो बीज बोया उस बीज में इतना बढ़िया एक अंकुरण हुआ। आप रायबरेली आइए, कोई झूठ नहीं है, करोड़ों की संपत्ति खड़ी है, ठीक करोड़ों में है, लेकिन देखिए बाबा जी खाते क्या है, बाबा जी पहनते क्या है और बाबा जी करते क्या है। लेकिन आप नहीं, आपके दिमाग में ये बातें नहीं भरी गई हैं। क्यों? आपके दिमाग में भरा है श्री श्री 1008। अभी नहीं कोई पूछ रहा है कि 1008 महोदय
आपने एक हजार आठ नहीं, एक दो काम बताइए जिससे विश्व का भला हुआ हो या विश्व का भला होगा, ये बताओ। राम ने ये किया, हनुमान ने ये किया, अरे बाबा आपने क्या किया हुजूर? अपने बारे में नहीं बताएंगे है? हमारे बाबा ने घी खाया था, अच्छा तो क्या आपके हाथ में चिकनाहट लगी है क्या है? एक परंपरा बन गई क्या हमारे देश में, हमारे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर मानवता का मंदिर गांव गांव होना चाहिए। मानवता, मानवता क्या है? अगर आपके अंदर ये दृष्टि की, जरा ध्यान दीजिएगा, ये स्वागत स्वागत तक तो आप लगी रहिएगा लेकिन ध्यान दीजिएगा, मानवता ह्यूमैनिटी और इंसानियत किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? कभी हमको लगता है फिर जानने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि हम शुरू से चल रहा है बहन जी बोलवा दो, बहन जी बोलवा दो, और बहन जी पढ़ रही सब उसमें, अरे बोलवाते कुछ जहाँ तमाम खुशियाँ भरी थी वो कम से कम रात में सोचते तो कि आप अधिकारी हैं थे, आप नेता हैं थे, आप महामंडलेश्वर हैं थे, आप वगैरह 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 बहुत कुछ है। जरा हुजूर ये बताइएगा कि मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य की, मनुष्य का लक्षण क्या है ऐ दुनिया वालों? जरा बताओ, YouTube पर श्याम साधु को जवाब दो, मेरा नंबर नोट कर लो, 94589127। एक हिंदुस्तान का आदमी ललकार रहा है पूरी दुनिया को, जो 70 साल हो गए यही काम करते करते। एक जेल का कैदी हमसे कहीं अच्छा है वो 5 बजे छुट्टी पा जाता है, और हमको रात में 12 बजे तक छुट्टी नहीं मिलती है। क्या कहीं गधा बंधा, कहीं बंदर बंधा, ये ह्यूमैनिटी है, यही मानवता है और यही देवी देवता है। और अगर हनुमान जी के जो भक्त है हमारी आवाज जान लग जाती हो, अरे भाइयों हनुमान के भक्तों, अगर हनुमान जी की कृपा तुमको देखना है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना है, तो बंदरों के जख्मों में जाके ढूंढो हनुमान को, बंदरों के भूख में ढूंढो हनुमान को, है ना कायदे की बात? अगर गलत हो तो हाथ उठाइएगा ताकि हम कुछ आपसे भी सीख लेंगे। ठीक, पत्थर के बंदर, पत्थर के हनुमान जी बंदर को देख के बनाए गए हैं, और बनाया किसने है? हमने आपने, अच्छा यानी हम आप हनुमान जी पैदा करने लगे, यार हमारे समाज को हो गया। अगर हनुमान जी से कुछ प्राप्त करना है तो बंदर के पास जाओ, बंदरों के गीत ने कई हजार, अब तक मैं बंदर घोष कर चुका हूँ, जिसका परिणाम जानते क्या है? हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं थोड़ा माफ करेंगे, मैं दावे से कहता हूँ कि जो बंदर खाता है आप 15 दिन वही खा के देखिए, 16वें दिन आपकी बीमारी अगर आधी ना भाग जाए बिना दवा के, बिना डॉक्टर के, बिना उसके, तो आप हमसे हर्जाना ले लीजिएगा। 15 दिन का मैं क्या चैलेंज करता हूँ, 15 दिन जो बंदर खाए वही आपका। हमारी आपकी मशीन बंदर की मशीन एक जैसी है, और हनुमान जी को कभी भूल कर लड्डू न चढ़ाइएगा, मंदिर वाले माफ करेंगे, बंद कर दे। हनुमान जी के मंदिर में आप पैसा चढ़ाना चढ़ावे, ताकि मंदिर भी जिंदा रहे और पुजारी भी जिंदा रहे। जो हनुमान जी में आप चढ़ाते हैं वो लड्डू मत चढ़ाइए, आप गुड़ और चना वहाँ चढ़ा करके बच्चों में बांट दीजिए, और अगर बंदर है आपके इलाके में तो सबसे पहले बंदर को खिलाइए। बड़े मंगल में जहाँ देखो शरबत बांटते हैं, बड़े शर्म बड़े अफसोस की बात है, अरे भाइयों जरा बंदर को तो खिलाओ, है हनुमान जी के नाम से खुद ही ढकोल रहे हैं, देख ले जाइए खुद ही है। और जय बजरंग बली, अब डीजे लगा दिया, हमारा धम बाजा बज रहा है, क्या हो रहा है हमारे समाज में? अरे हम ईश्वर के एक, हमको झूठ मानो, हमको इसीलिए भेजा गया है कि करके दिखाओ, लेकिन मेरा समाज इतना अंधा हो गया है, इतना अंधा हो गया है कि ये काम करने वाले को महत्व नहीं देता,
यहाँ की रीत रिवाज बन गई है क्या कि गधे को चना और घोड़े को कना, क्या आपका देश कभी तरक्की कर पाएगा? कभी नहीं तरक्की कर पाएगा। 70 साल हो गए देश से आजाद हुए, आज क्या हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है। हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, हमारे लिए हिंदू मुसलमान पंडित पठान कुछ सब एक जैसे हैं। क्या ह्यूमैनिटी मानवता और इंसानियत को जगाओ। ये जातवाद क्या है, कितना बड़ा नासूर है हमारे देश में। दूसरी बात, एक प्रसंग बस मैं कह रहा हूं, बाकी मैंने नाम के आगे से जात हटा दिया है। मैं करके दिखाता हूँ, तब पूरी दुनिया को ललकारता हूँ, पूरे वर्ल्ड को, चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो और चाहे जितना बड़ा समाजसेवी हो, वो 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे सामने इसकी बोलती बंद हो जाएगी। कहिए कैसे? आज का सुबह का वीडियो मेरे पास है और सीडी बना के भेजेंगे और बहन जी के यहाँ चलवा के देखिएगा। 78 साल का बुढ़ा और सुबह 7 बजे वो भयानक जाले में एक बंदर को कर लाए, 2 घंटे जिंदा रहा, रात में मर गया। मरने की भी कहानी अभी हम बताएंगे, भूलिए का नहीं। उसको सुबह, क्योंकि यहाँ हमको आना था, डॉक्टर जगी जो हैं आए हुए हैं, डॉक्टर आरती सिंह, वो मनुष्य भी है और डॉक्टर भी है, लेकिन वो देवता भी है, जैसा हमारे बहन जी ने कहा। आज के जमाने में ऐसे डॉक्टर आपको चिराग लेके छोड़ना पड़ेगा। अब उनके बारे में बताएंगे तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, बस समझदार के लिए इशारे काफी है। वो डॉक्टर बाद में है, वो देवता पहले। तो जो काम कर रहा है उसको आगे लाओ। तो 15 दिन अगर आप बंदर का भोजन करेंगे तो आपकी आधी बीमारी खत्म। तो बंदर कल आया, सुबह हमको लेके जाना था इस भयानक जाले में, मोटरसाइकिल से मैं लेके गया। एक लड़का है जिसको बोलेंगे ये SC है। हमने कहा देखो भाई, उसने कहा बाबा जी हम तो पूरी समाज के हैं, का तुम मूर्ख, ये क्या अपने दिमाग में भर दिया है, पूरी समाज के हैं, ये गांव में इंसान के समाज के हैं, हम कोई सूरत नहीं है, हम कोई धनाल नहीं है, हम इंसान, ये बोलो बेटा। वो फोटोग्राफर है, वो हमको लेके गया कहाँ, 22 किलोमीटर हवाई अड्डे के पीछे रामनवमी में उस बंदर को लपेट के और वहाँ जाके मैंने दफनाया। अब तक कम से कम वहाँ 50 से ऊपर बंदर दौड़ चुके हैं, सैकड़ों बंदर मेरे घर में गड़े हैं, बहुत बड़ा खाता है, कोठी है। अब उनको वहाँ से हम फुटवा रहे हैं, क्यों हम नहीं रहेंगे तो कल वहाँ बिल्डिंग बनेगी, अब शहर के भीतर कोई नहीं जानवर को गाड़ेगा ना। तो अपनी दोनों बेटियों को मैंने, जैसे लोग कहते हैं बच्चों ऐसा करो, बच्चों ऐसा करो ना, ये उनके माता पिता से कहो क्या कि आप अगर अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं तो स्वयं को बनाइए। हमारी मात्र 2 बेटियां हैं, लौके नहीं है, एक का नाम है गीता और एक का नाम है अंजलि। अगर हिंदुस्तान में कोई साध्वी, बड़ी बड़ी साध्वी अगर हमारी बेटी को पछाओ दे तो 1 करोड़ रुपए उसको रत्नेश्वर सिंह इनाम देंगे। मंच पर ललकारो, ये पहलवान वो है जो अखाड़े में ताल ठोकते, अब बाबा अब नेता वो है, अरे वो फांसो नहीं जिसमें ललकार न हो, और वो हिंदुस्तानी नहीं जिसमें आन शान बान न हो। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जातवाद खत्म करो, जातवाद में मजबूत लगाओ। इस जातवाद के चक्कर में आज दिव्यांशु ने पूरे भारत का गौरव पूरे देश पूरे विश्व में बढ़ा दिया। हम जात लेके बैठेंगे, इसलिए हमने नाम के आगे से अपना जात हटाया था। दुर्भाग्य समय ब्राह्मणपुर में पैदा हो गया, हमें बहुत कष्ट हुआ, क्यों अरे भेदभाव शुरू, अब हम कहीं जाए IM पंडित हर्जन है, ये तो मार पाप है, किसी का दिल दुखाना क्या पुण्य है? ये कौन से वेद पुराण में लिखा है? अगर लिखा है उसको गंगा जी में डाल जाता है। किसी आत्मा को गाय गधा कुत्ता मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारे किसी शर्मा जी और लोग बातचीत कर रहे थे, तो हाँ वो शर्मा जी है चाहे गौशाला चलाते हैं, ये कई गौशाला है कायदे से चलता है, उन्होंने गौ माता जब 3 बार कहा तो हमने कहा शर्मा जी एक बात बताइए,
गधे भैया ने कौन सा पाप किया है, कौन सा दोष किया है, है? अरे माना गाँव गाय श्रेष्ठ है, दूध देती है, मक्खन देती है, उसके मूत्र में औषधि है, रोम रोम में देवी देवता है, लेकिन गधा वो देवी का वाहन है, उसके छह नामों के मंत्र हमने YouTube पर डलवाए हैं। YouTube पर श्याम साधु सर्च करें और जहाँ लिख के आवे सीक्रेट मंत्र उसको जरूर पढ़ लीजिए, उसको पढ़िए। और एक शास्त्री जी ने कहा है या मैंने नहीं कहा है, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हम गीता ने क्या लिखा है। अरे दुनिया वालों हमारे सवालों का जवाब दे, हम नहीं कहते हमारी गीता बड़ी है, हम बड़े हैं, नो, काम मेरा बड़ा है, हमारे विचार बड़े हैं, हम एहसान मंद हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम पावर की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, और जितने जीव जंतु हैं ना उनको मैंने मंदिरों में स्थान दे रखा है, ये हमारे पूर्वजों ने दिया था, इसी बात का हमें गर्व है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने थोड़ी गलती किया, हमको बना दिया कोतवाल का बेटा। अब ये कहावत है गाँव में कि कोतवाल का बेटा जमीन में नहीं चलता, ये कहावत है। अब सभी कोतवाल है, अब सभी बेटे तो नहीं है, ये कहावत। हम लोग उसी में भूल गए, जातवाद को हम लोगों ने बढ़ावा दिया और आज जातवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारे यहाँ चुनाव होता है, इससे बढ़ के शर्मनाक बात हमारे देश के लिए दूसरी हो ही नहीं सकती। श्याम साधु की आवाज को छिपाया जाता है, दबाया जाता है, तो हमको विश्व का मंच मिल गया, हमने अखबार उबार सब छोड़ दिया, छोड़ दिया, लगाए लगाए मक्खन, हम मरे भी, हम अपने आप को मिटा दिया है, अपने आप को जला दिया है। अब हमारी हैसियत भी देखो और हमारे काम देखो, एक भीख मांगने वाला हमारे यहाँ अगर दो दिन रुक जाए वो तीसरे दिन भाग जाएगा, वो गाएगा महाराज हमका भीख मांगे दो, हम तुमका न झेल सकते, क्यों? जहाँ सुबह उठे कहाँ बंदर के लिए जाना, कहाँ गधे के लिए आग जलाना, आग जलाए ताकि उतापे, और सब मैं वीडियो में बना देता हूँ, वो देवी का वाहन है। तो हम पत्थर के गधे की हम पूजा करते हैं, पत्थर के बंदर की हम पूजा करते हैं, और असली बंदर को हम डंडा मार के भगाते हैं, इससे बढ़ के शर्मनाक बात और क्या होगी। अगर बंदरों की आबादी बढ़ रही है, आपका नुकसान कर रहे हैं, नसबंदी कराओ, सरकार से मांग करो कि भाई उनकी भी नसबंदी होनी चाहिए, नील गाय की संख्या बढ़ गई, चाहे गोली से भून दो, यह हिंदुस्तान है, यह राम और कृष्ण का देश है, ये श्याम साधु का भी देश है। श्याम साधु ना पहले था और ना आगे होगा, ऐसा पागल आपको नहीं मिले, जो वर्ल्ड वार छूट रहा है, पूरी दुनिया की बोलती बंद कर रहा है। ए दुनिया वालों, ह्यूमैनिटी, इंसानियत और मानवता की पराकाष्ठा क्या है, उन्हें जरा बताइए, मनुष्य किसे कहते हैं जरा बताइए, मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं ये जरा बताइए, ये तीन सवाल ये पूरी दुनिया को बोलती बंद कर देगा। हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, एक हम हकीकत से आपको जोड़ रहे हैं, हमारे यहाँ क्या है, ये करो माला कीजिए। मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन, ये बहन जी को नहीं मालूम था मैं फूलों की माला नहीं पहनता हूँ, लेकिन अब मान सम्मान, भाई किसी का मान भी तो रखना है, हम कहते हैं इन फूलों से रंग बनाओ, इत्र बनाओ, दवा बनाओ, और होली में एक रुपए का इतना रंग दो ताकि गरीब के बच्चे भी इतना गुलाल उड़ा सके। हजारों लाखों मन फूल रोज हमारे देश पर बर्बाद होता है, ये क्या कर रहा है हमारे बड़े महात्मा और बड़े बड़े नेता, और श्याम साधु से बात करें क्या हो रहा है हमारे देश में, सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, नेताजी, मंत्री जी, माला जी, बंदर माला पहनना, इसके जरिए क्या है, रोटी की माला पहना दो, हम बंदर को खिला देंगे, मूंगफली की माला पहना दो, गाजर मूली बड़ा सस्ता मिल रहा है उसकी माला पहना दो, वो माला पहनाओ जो किसी के काम में आ जाए। लोगों ने मजाक भी किया था, यहाँ जलने वाले का नहीं है, लोगों ने कहा दादू जी आप पुरस्कार की माला, डाखाने वाले ने पुरस्कार की माला पहनाया हमारे जन्मदिन पर, वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने हमको दवाओं की माला पहनाया, सब्जी बेचने वालों ने सब्जी की माला पहनाई, तो एक साहब ने कहा साधु जी
अगर झुके वाला आपको माला पहनाना चाहे, देखिए घेरा उसने बड़े तगड़े में, लेकिन हनुमान जी जिसके साथ में होते हैं ना, तो वहाँ रावण भी भाग जाता है। हनुमान जी की कृपा है, 12,000 से ऊपर पंद्रह घोष सैकड़ों भद्रों का इलाज उनका खिलाना है। हमारे हाथ में अभी घाव सूखा है, कौन करेगा? तो हनुमान जी की कृपा है क्या कि आप कुछ भी हो, कुछ भी करें, लेकिन आप रियलिटी पर आइए, फॉर्मेलिटी पर मत आइए, अपने आप को बदलिए। हमारे यहाँ की सोच को बदलनी है। अगर ये दिव्यांग सुनो का, अरे हम तो समझते हैं घर घर लोगों को उसको बुला बुला करके पूरे जनपद के अंदर इसको आगे लाओ, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा ना भाई, तभी तो तुम्हारे बच्चे कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे। कंपटीशन ने करा उसको बुलाओ और बुला करके आगे बच्चों को सिखाओ। तो हमारा मतलब है कि पूरी दुनिया में हम आज दुनिया वालों से पूछ रहे हैं कि हमारे किन सवालों के जवाब दे दो सही सही, तो 1 करोड़ रुपया हमारे रत्नेश्वर सिंह उसको दे देंगे। 1 करोड़ का हमारे ऊपर इनाम भी रखा गया। अरब कंट्री के लोग हमारे पास फोन करते हैं, बाबा जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? और मालूम क्या है अरब कंट्री में, कोई दोहा कतर में है, कोई सऊदीया में है, कोई वहाँ दुबई में है, कोई बेचारे कोई मैकेनिक है, ड्राइवर, कोई लेबर है। हम कहा भैया तुमको हमारा आपका हमें इसलिए चाहिए, आप मोबाइल करते रहिए, आपको कोई देने की जरूरत नहीं है। तो हमने यूट्यूब में भी बोल दिया, जरा कहीं बहुत कड़वा मजबूरन बोलना पड़ता है, क्या हिंदुस्तान वालों श्याम साधु के काम को तो देखो, और एक आदमी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लाओ तो हमारे नाम के आगे लकीर ठीक के जगह दिखा दे, एक लकीर खींचो भाग जाओगे। चलो आप स्कूल जाते, स्कूल गए, व्यापार किया, खेती किया, अंडे बच्चे पैदा किया, सब तो किया, आपने समाज के लिए क्या किया? केवल भाषा, केवल भाषा, अब ये ड्यूटी नहीं है, आप ही के ओर से हम आपको आधा अठन्नी दे दिया, अठन्नी जेल में रख दिया, ये क्या हो रहा हमारे यहाँ? इसलिए काम करने वाले को बाबा रामदेव की खनगन पूजा होनी चाहिए। ताली बजाओ भैया, बाबा रामदेव के कार्यक्रम में बैठे हैं। क्यों बाबा जी ने कितने बच्चों को दिव्यांशु जैसे बालक को, जो दिव्यांशु बालक, अरे वो तो हम तो हम संत के मारे पानी पानी होते हैं जब अपना मस्तक हमारे चरणों में रखता है, उनको यह संस्कार दिया गया है। लेकिन मैं हृदय से उसके चरणों को छूता हूँ कि भारत का नाम तू बढ़ाएगा। अब दिव्यांशु जैसे कितने बालक बाबा रामदेव ने इस देश को दे दिया है। अरे देशवासियों, बाबा रामदेव के जैसा किसी नेता ने, किसी महात्मा ने, किसी साधु ने अगर किया हो तो नाम बताओ, नाम बोलो और यूट्यूब पर आ जाओ करके दिखाओ। तो मैं मानवता का संदेश देता हूँ, इसलिए मेरे घर में गधा अभी भर्ती है और महीनों रहेगा, उसका पैर 100 देना, 2 दिन में ठीक तो होगा नहीं। तो गधा गाय कुत्ती की सेवा करके हम अपनी पहचान बना रहे हैं, क्योंकि गीता में लिखा है क्या, जो मनुष्य सारे प्राणियों में अपने आप को देखता हो वही तो बाबा है, वही साधु है। लेकिन दूसरा श्याम साधु नहीं मिला, ढूंढे ढूंढे बुलाए गए भाई, सब है टीका चंदर सेंटर में लगाने गिरा, बिल्कुल सेंटर से अलग नहीं होगा। पूछो बाबा जी कभी गधे को छुका है? पागल कुत्ते को हमारी बेटी ने बिल्कुल चबवाया, क्या डॉक्टर साहब ये प्यासा नहीं मरना चाहिए? और उसका वीडियो है मेरे पास, अरे दिखाओ दुनिया में एक मिसाल हमको दिखाओ। तो हम सिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम आपसे मांग नहीं रहे हैं। ये बात वो बात कहना हाथ आगे लाओ, ये बात वो बात उठ लाओ लोट लाओ, ये ठेकेदार है। हम ऋषि मुनियों के देश के हैं, हम लोग देना जानते हैं, हम मांगना नहीं जानते, हम मांगते नहीं हैं। और इसी तरह ये दुनिया को दिखाते हैं ईश्वरी शक्ति क्या है। अगर शंकर जी से आपको कुछ प्राप्त करना है तो नंदी की सेवा करो, अगर घाव हो सो गए हो तो उसके घर दरवाजे बांधो। लेकिन ना अमरनाथ चले जा रहे हैं, क्या अमरनाथ मिले?
कोई माई कला बता दे, पंडित जी दर्शन कराने ले गए हैं। पंडित जी सही बताइएगा, क्या किसी मंदिर के भगवान ने निकल करके आपको दर्शन दिया है? हो क्या? इसीलिए हम लोग बहुत पीछे हैं, वरना हम लोगों को तो शिखर में होना था और होना चाहिए, लेकिन हमारी मानसिकता, आपकी मानसिकता बड़ी गलत है।